Assalamu alaikum dear students, now we are back live again with the new video. यहाँ पर हम 3 input NAND gate की microwave simulation को देखेंगे. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे PMOS select करना है. अब यहाँ पर 3 input कर सकते हैं, 4 input, 5 input. मैं भी फिलहाल 3 input select कर रहा हूँ. NMOS पहले हम build करेंगे, generate device पे click करेंगे. तो ये 3 input हमारे पास है, 3 fingers कह लें, एक फिंगर, दो फिंगर, थ्री फिंगर, या थ्री इनपुट एंड गेट, या थ्री गेट्स हमारे पास आ गए. ये जो एन मॉस हमने बना दिए, नेक्स्ट टाइम हम पी मॉस बनाना चाहेंगे. थ्री इनपुट या थ्री फिंगर्स के नंबर फिंगर्स, ये आ गए आपके पास थ्री फिंगर्स. यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये एक साथ सारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे. अब ये अलाइनमेंट इसकी थोड़ी सी ऑफ होगी, उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि इसको हम अलाइन करें प्रॉपरली. अच्छा जी, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अलाइनमेंट प्रॉपर आ गई. गेट को गेट से मिला देंगे, ये वाला गेट इस गेट से मिल गया, और ये वाला गेट इससे कॉमन हो गया. ये तीन गेट आपस में कॉमन हो गए. अब नेक्स्ट टाइम, अभी हमें एक तो ये चीज़ कॉमन है कि एन वैल्यू हमें मिल गया, साथ में अभी ड्रेन गेट या सोर्स गेट, सोर्स और या ड्रेन, इनकी हमने लेबलिंग नहीं की और हमने VDD नहीं दिया. तो अभी हम ये कनेक्शंस करेंगे. मैं जो स्किप कर रहा हूँ, मैंने स्किप कर दिया स्टिक डायग्राम. ये मेरे पास 3 इनपुट NAND गेट की आउटपुट है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन सोर्सेस मेरे पास कॉमन है, सही है. और यहाँ पे मैं सोर्सेस कॉमन करूँगा, इधर तीन ड्रेन्स कॉमन है. और फिर सी का देखिए, सोर्स के साथ ग्राउंड है, तो सी का सोर्स के साथ में ग्राउंड धोना है मुझे. तो मैं दोबारा माइक्रोबैंड पे आऊँगा. तो ये ABC, तो VSS सिंपली मुझे ग्राउंड यहाँ पे देना है, तो मैंने ग्राउंड यहाँ पे दे दिया. ओके, और VDD जो है ये आपका, एक तो फ्लोटिंग VDD आ गया, ये तो मैंने फ्लोटिंग VDD यहाँ पे लगा दिया. एक दूसरा, हाँ जी दूसरा, अब मुझे सोर्स और गेट को, सोर्स और ड्रेन्स को लेबल करने हैं. तो ये हमारे पास सोर्स हो गया, ये दो, ये ड्रेन, ये ड्रेन अगेन, ये दोनों सोर्सेज हैं और ये ड्रेन है. या आप जब स्टिक डायग्राम बनाएंगे तो उसको भी आप देख सकते हैं. तो ये मेरे पास सोर्स है, ये दोनों ड्रेन्स हैं, ओके, ये दोनों सोर्सेज हैं और ये दोनों ड्रेन्स हैं. तो मुझे अब दो सोर्सेस को कॉमन करना है. मेटल वन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेटल वन सेलेक्ट करके ये मैं दो सोर्सेस बनाना, कॉमन करना चाह रहा हूँ. तो ये मैंने आपके दो सोर्सेस कॉमन कर दिए, यानी कि मैंने ये सोर्स, सही, और ये दोनों सोर्सेस मैंने इसको कॉमन कर दिया ना. ओके, ये हमारे पास ड्रेन्स हैं, सही, ये ड्रेन है. हमने यहाँ डायग्राम में देखा है ये तीनों ड्रेन्स कॉमन है. ओके, ये तीनों ड्रेन्स हमारे पास कॉमन है, तो ये तीनों ड्रेन्स हमें कॉमन करने हैं. अगेन सेलेक्टिंग मेटल वन, तो हमें एक तो ये दो ड्रेन्स यहाँ से आ गए, दो ड्रेन यहाँ से आ गए, एक ड्रेन ये आ गया, ये हमने दो ड्रेन यहाँ पर कॉमन कर दिए. और अगेन इस ड्रेन को हमने मिलाना है इसके, ये ड्रेन से, ये भी ड्रेन ही है हमारे. ये थोड़ा सा गलत बन गया, कॉमन नजर नहीं आ रहा था, इसको डिलीट करना पड़ गया. अच्छा जी, ये मैंने दो ड्रेन्स कॉमन कर दिए. ओके, और इन्हीं ड्रेन्स पे मुझे आउटपुट भी देखना है. आउटपुट मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग पे मैं आउटपुट नहीं लगाऊंगा इसको, मैं Vout, ये Vout बना दिया मैंने. तो मैंने Vout यहाँ बना दिया.
अच्छा जी, वी आउट मैंने बना दिया, वी डी डी बना दिया, वी एस एस ग्राउंड अप्लाई कर दिया, क्या चीज़ रह गई? हाँ जी, वी डी डी जो है यानी सप्लाई मैंने यहाँ अटैच नहीं की, ये मैंने इसको सप्लाई यहाँ अटैच कर दी। ये तीनों चीज़ें हो गई। नाउ क्लॉक इज़ रिमेनिंग, ये एल एस बी पे पहली क्लॉक आ गई, इसको हम यहाँ करते हैं एल एस बी, ये सी कह दिया इसको, सही है। मैं ये बाकी चीज़ें चेंज नहीं करूँगा, ये खुद ब खुद चेंज होगी। ये भी एल एस बी के बाद, एल एस बी से स्टार्ट किया मैंने और एम एस बी तक जा रहा हूँ। ये आ गया आपके पास बी, ओके, एंड देन दिस इज सब चीज़ें हैं मैंने जी। डिज़ाइन रूल चेकर चलाते हैं इस पे, ये है आपका डिज़ाइन रूल चेकर। करंटली नो एरर्स आर बीइंग रिपोर्टेड, ओके, तो करंटली नो एरर्स आर बीइंग रिपोर्टेड। नाउ इसकी सिमुलेशन रन करते हैं, ओके, ये सिमुलेशन आ रही है, आप देख सकते हैं जहाँ पे ए बी और सी हाई है वहाँ पे वी आउट ज़ीरो आ रहा है, बाकी हर जगह पे वी आउट वन आ रहा है और हर यहाँ पे वी आउट ज़ीरो आ रहा है। तो ये हमारा थ्री इनपुट नैन गेट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आप चाहें तो ये 5 नैनो सेकेंड से 100 नैनो सेकेंड्स रीसेट करें, ये देखिए आप, मतलब कि ये टाइमिंग आपने इंक्रीज कर दी, आप उसको 100 के बजाय 20 पे व्यू कर लें, आप उसको आराम से व्यू कर सकते हैं। 20 के बजाय आप थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ टू गेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम।